हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल पे कितना व्यूज आता है, कितना ज्यादा सब्सक्राइबर है, वो देख के लोग ये अंदाजा लगाता है कि आपका चैनल कितना बड़ा है और कितना छोटा है। आजकल तो बहुत ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर की चैनल में भी जो सब्सक्राइबर काउंट होता है वो लोग हाइड करके रखते हैं। इसका बहुत सारा रीजन है, और अगर आप भी भाई हमारी तरह भी कोई स्मॉल क्रिएटर हो तो ये चीज़ आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका सब्सक्राइबर दिखाई देता है और बहुत ज़्यादा कम है ना, तो लोगों के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल चीज़ होता है कि इनकी सब्सक्राइबर ही बहुत कम है तो ये क्या हमें सिखाएंगे और क्या इनसे हमें फ़ायदा होगा, तो लोग सपोर्ट थोड़ा कम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने नए यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर काउंट है उसको आप हाइड कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट मेरा ऑन कर लेता हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप इस चीज़ को आसानी से देखो। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है, आपको किसी भी एक ब्राउजर में जाना है, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आप क्रोम पे कर सकते हो या फिर मोजिला पे कर सकते हो, मैं यहाँ पे क्रोम पे करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपकी जो चैनल है वो यहाँ पे लॉग इन होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद क्रोम ब्राउजर पे आप youtube.com लेके सर्च करो, आपकी चैनल यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आप ऊपर में जो तीन बिंदु है वहाँ पे जाओ और इसको डेस्कटॉप साइड पे आप इसे ओपन कर लो। डेस्कटॉप पे ओपन करने के बाद फ्रेंड नीचे आपको सेटिंग मिलेगा, सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टेटस एंड फीचर मिलेगा चैनल का, तो वहाँ पे जाने के बाद फ्रेंड्स आपको ये जो यूट्यूब चैनल सेटिंग है आपका वो यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद आपको देखो यहाँ पे जनरल है और यहाँ पे चैनल है, अपलोड डिफॉल्ट है, तो हमें यहाँ पे जाना है चैनल पे। इसके बाद एडवांस सेटिंग पे आपको जाना पड़ेगा। आप देखो, ध्यान से देख लो, एडवांस सेटिंग पे जाने के बाद फ्रेंड धीरे धीरे आप यहाँ पे नीचे अगर जाओगे ना तो यहाँ पे देखो सब्सक्राइबर काउंट करके आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये जो चीज़ें यहाँ पे अगर आपका टिक रहेगा ना, अगर टिक रहेगा तो आपके जो सब्सक्राइबर है वो लोगों को दिखाई देगी, आपके जो व्यूअर है उनको ज़रूर दिखाई देगा आपका चैनल पे कितना सब्सक्राइबर है। तो इसको अगर आप अनटिक कर दोगे ना तो ये डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है, और ये हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे जो नीचे जो सेव का ऑप्शन है ना, इसको आप ये टैप कर देना तो आपकी जो ये सेव हो जाएगा और आपकी चैनल का जो सब्सक्राइबर है वो किसी को भी दिखाई नहीं देगा। तो फ्रेंड इस तरीके से आपकी जो सब्सक्राइबर वो लोगों को दिखाई नहीं देगा, और अगर आप एक अच्छा वीडियो बनाओगे तो लोग आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल में नए हैं भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। मिलता हूँ किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए भाई को दीजिएगा इजाजत। चाहिए।